जय हिंद, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस अंकित। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अखिलेश यादव फ्री लैपटॉप योजना एक निकल करके आ रही है अपडेट, जहां पे काफ़ी बच्चों को लैपटॉप दिया गया है। अब कौन से वो बच्चे थे जिनको दिया गया लैपटॉप, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या अभी इसके बाद कहाँ पर मिल सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या आपको भी मिल सकता है, क्या प्रोसेस है पूरा, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अखिलेश यादव फ्री लैपटॉप योजना, जाने कैसे मिलेगा फ्री में लैपटॉप और इसकी पूरी जानकारी। और मैं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह आज की ही अपडेट रही है, ठीक है, दूसरे दिन की नहीं, आज की ही है। और यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अगर आप यूपी से हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो स्टडी पावर पॉइंट ने अपने ऑफिशियल स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन पर कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में स्टडी पावर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे कलर, जैसा कि आप जानते हैं चुनावी नज़दीक आने से, ठीक है, राज्य सरकारें नागरिकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के नए नए चीज़ें तो करती ही रहती हैं, आपको पता है। तो सबका फंडा वही है, ठीक है। ऐसे में विधानसभा के चुनाव गौर देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जिन्होंने गुरुवार को आजमगढ़ में कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्री लैपटॉप योजना हेतु अपना संकल्प वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने अभी तक बच्चों को क्या किया, लैपटॉप टैबलेट वगैरह कुछ नहीं दिया गया, अभी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहा था। ऐसे में अखिलेश यादव ने कुछ नया कर दिखाया, अभी बताते हैं क्या किया गया है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ इसका जो भी मतलब जो योगी वाला करके था, एक आपका टैबलेट और स्मार्टफोन मिल जाना, अभी उस पर काम चला, अभी उसकी एक ऑफिशियल साइट आएगी तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी आपके कॉलेज से फॉर्म आया है, उसको सब लोग फिल कीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए तो क्या कहना है, इनका कहना है अखिलेश यादव के कि अब मैं मुफ्त लैपटॉप बांट रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री परेशान हो रहे हैं, उनके बीच कौन आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जनता तय कर चुकी है इस बार चुनाव में भाजपा का सफाया करना, ये सब तो छोड़ो, ये सब कोई काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, 28 अक्टूबर 2021 को 130 लैपटॉप बच्चों को बांट करके याद दिलाया कि राज्य में 108 और 102 चलाई गई थी और उनके द्वारा संभव हो गया, एम्बुलेंस वगैरह आ रही है, साथ में 100 नंबर को बदल के 112 कर दिया गया। ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें की गई हैं वो 28 अक्टूबर 2021 को 130 लैपटॉप बांटे गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों को ये चीज़ मिला है, क्योंकि ज़्यादातर जो जिसको मिला होगा वो कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। पिछले दिनों एक अपडेट आई थी जिसमें ये चीज़ बताया गया। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका क्या कहना है कि सरकारें नाम बदल रही है, एक्सप्रेसवे को अधिक बनाने का निश्चय किया है, काम शुरू हो चुका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं, तो इससे हमें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। महंगाई वगैरह साथ में यही चीज़ बताया गया कि सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। अगर हम बात करें ऐसे में, देखिए अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो आपको लैपटॉप टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाले थे, उसकी अभी वेबसाइट आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से करना है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब और मकसद यही था कि अगला हो सकता है आपको दिया जाए। अब देखिए ये 130 बच्चों को दिया गया, ज़्यादातर आजमगढ़ के साइड में शायद दिया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ पे थोड़ा इस तरीके के देखने को मिल रहा है कि यहाँ सपा सरकार की बातें ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश करके टैबलेट मतलब लैपटॉप वगैरह फिर से दिया जा सकता है, ठीक है। 130 दिया गया, हो सकता है अगली बार कहीं और कुछ दिया जाए, ठीक है। जैसा कि अखिलेश यादव ने पिछली बार दिया था, काफ़ी लोग का अभी भी चल रहा है, तो उन्होंने एक अच्छी मुहिम चालू की थी। और इस बार तो टैबलेट स्मार्टफोन का बहाना दिया गया है, बट उसका तो अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह चीज़ तो हुआ है, ठीक है। पिछली बार हुआ था और 130 बच्चों को इस बार दिया गया। तो आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें एक बार जरूर कमेंट में बताइए। और कोई डाउट कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं। बाकी स्टडी पावर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पे भी जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।